Okay, students, we are just going to learn the second part of Glimpse of India. It is called Coorg. The title of the second part is Coorg. Coorg is a coffee country. What is Coorg? Coorg is a coffee country, famous for its rainforest and species. For what it's famous? It's famous for rainforest. It's famous for rainforest and spices, masala ke liye prasiddh hai. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore. ये कहाँ पर स्थित है? मैंगलोर के कोस्टल टाउन और मैसूर के बीच में स्थित है. ए पीस ऑफ हेवन दैट हैव बीन ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड. एकदम एक स्वर्ग का एक टुकड़ा है, हाँ, जो कभी किसी भगवान का साम्राज्य हुआ करता था. दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहैबिटेड बाई अ प्राउड रेस ऑफ मेटल मैन, ब्यूटिफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर. यह जो लैंड है ना, हाँ, जो पर्वतों से चारों ओर से घिरा हुआ है, यहाँ यह वाकई गौरवान्वित नस्ल के लोगों के द्वारा, यानी सुंदर पुरुष और महिलाओं या फिर वहाँ के सुंदर प्राणियों के द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ है. कुर्ग, इसको हम तमिल में बोलते हैं कुडागु. द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. यह कर्नाटक का क्या है? एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है. इज होम टू एवर ग्रीन रेन फॉरेस्ट. यह घर है इसका हमेशा हरा भरा रहने वाले जंगल का. कवर 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. जितना भी वहाँ उस जिले में ज़मीन है उसका 30% एकदम हरा रहता है. ड्यूरिंग द मानसून इट पावर्स इनफ टू कीप मेनी विजिटर अवे. मानसून के दौरान बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने आते हैं. द सीज़न ऑफ जॉय कमेंस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यू टिल मार्च. यानी घूमने का जो मुख्य समय होता है वह सितंबर से लेके मार्च तक होता है. द वेदर इज़ परफेक्ट विद सम शावर थ्रोन फॉर गुड मेजर. मौसम बड़ा सुहावना होता है, परफेक्ट होता है, हल्का हल्का कभी कभी, हाँ, कुछ मात्रा में फुहारा भी पड़ता है. द एयर ब्रिज अप इन ओग्रिंग ग्रेटिंग कॉफ़ी. हवाओं में सांस लेने पर, हाँ, कॉफ़ी का सुगंध आता है. कॉफ़ी इस्टेट्स एंड कॉलोनियल बैंगलो स्टैंड टग्ड अंडर ट्री कैनोपाई इन प्राइम कॉर्नर. कॉफ़ी ये जो इस्टेट है या कॉलोनियल बैंगलो, यानी जो वहाँ के बंगले होते हैं ना, घर जो होते हैं, स्टैंड टग्ड अंडर ट्री, पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं. कैनोपाई इन प्राइम कॉर्नर. कैनोपाई क्या होता है? रूफ लाइक कवरिंग दैट फ्रॉम शेल्टर. मतलब एक छत ऐसा बनाया जाता है ताकि उसके नीचे शरण लिया जा सके, उसके नीचे रहा जा सके. द फायर्सली इंडिपेंडेंट पीपल कुर्ग आर पॉसिबली ग्रीक और अरबिक डिसेंट. जो स्वतंत्र कुर्ग के लोग हैं ना, हाँ, ज़्यादातर आशा या तो ग्रीक के होंगे या तो अरब के होंगे. इस वन स्टोरी को, जैसा कि एक कहानी है, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी मूव साउथ अलॉन्ग द कोस्ट एंड सेटल हियर. हाँ, कि अलेक्जेंडर की आर्मी यहाँ आया था और यहीं पर बस गया था. वेन रिटर्न बिकम इम्प्रैक्टिकल, क्योंकि वापस जाना बड़ा ही अस्वाभाविक हो गया था, वापस जाना पॉसिबल नहीं था, यहीं पर आकर के बस गए थे अरब के लोग, अलेक्जेंडर के सैनिक. दिस पीपल मैरिड अमंग द लोकल एंड देयर कल्चरल पेरेंट इन मैरिटल ट्रेडिशन. यहाँ के सैनिक आए, यहाँ की लड़कियों से शादी कर लिए और यहीं के परंपरा के अनुसार रहने लगे. मैरिज एंड रिलीजन राइट्स, यहीं की धार्मिक रीति रिवाजों को अपना लिए. विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, जो हिंदुओं से थोड़ा सा अलग है. द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रा सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाई द कोडावसिया. द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन, अरब के जन्म का जो थ्योरी सिद्धांत है, ड्रा सपोर्ट, यह समर्थन करता है फ्रॉम द लॉन्ग लंबे समय से. क्या? ब्लैक कोट विद एम्ब्रॉयड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय द कोडवास. यानी यहाँ के लोग ना काले रंग का कोट पहनते हैं, ठीक है, और एक वेस्ट कमर में बांधने वाला बेल्ट लगाते हैं. एज नोन एज कुफिया. इसको क्या बोलते हैं? इस ड्रेस को क्या बोलते हैं? कुफिया बोलते हैं. इट रिसेम्बल्स द कुफिया वॉर्न बाय द अरब्स एंड कुर्ड्स.
अरब और कुर्ग के लोग पहनते हैं। कुर्ग होम हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, ये कुर्ग है ना, बहुत अच्छा खूबसूरत स्थान है कुर्ग। यहाँ के लोगों की जो हॉस्पिटैलिटी है, अतिथि सत्कार बहुत ही अद्भुत है। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलोर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स, अपने बच्चों के अपने पिता की असंख्य वीरता भरी कहानियाँ लोग सुनाते हैं, गाते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड द इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी का ना एक बहुत ही अच्छी आर्मी मानी जाती है कुर्ग वालों की। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा, इंडियन आर्मी का जो पहला चीफ था ना वो कौन था, करियप्पा था, करिक्का पप्पा नहीं, करियप्पा। इवन नाउ कोडाउस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस, केवल कुर्ग के ही लोग ऐसे हैं जो बिना लाइसेंस के बंदूक रख सकते हैं। द रिवर कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, कावेरी नदी यहीं से पानी पाती है। और जंगल जो है ना कुर्ग के, कावेरी नदी से पाते हैं। महासीर और लार्ज फ्रेश वाटर, यहाँ पर एक महासीर है, ताजे पानी का बड़ा तालाब जहाँ पर मछलियाँ पाली जाती हैं। अबाउंड इन दिस वाटर मछलियाँ ढेर सारी इसमें होती हैं। किंग फिशर डाइव फॉर देयर कैच, और ये जो किंग फिशर है ना यह डुबकी लगाती हैं इस मछलियों को पकड़ने के लिए, चिड़िया। वाइल्ड स्क्वायरल्स एंड लैंगूर्स ड्रॉप पार्टिकुलरली ईटन फ्रूट्स फ्रॉम द मिस्चीफ ऑफ इंजॉइंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट ऑफ द क्लियर वाटर, और जबकि लंगूर गिलहरियाँ फलों को खा करके और शरारत करते हुए लहरदार चलने वाले पानी में, ऐसे स्पष्ट पानी में क्या करते हैं, फेंकते हैं। एलिफेंट इंजॉय बींग बाथ एंड इज स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महावत, एलिफेंट भी यहाँ पर खूब मौज करती हैं, नहाती हैं, और महावत क्या करता है, उन्हीं के पानी से उनका शरीर रगड़ रगड़ के उन्हें लहलवाता है। द मोस्ट लैड बैक इंडिविजुअल बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद द रिवर राफ्टिंग कैनोइंग रैपलिंग रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन। यहाँ का सबसे मज़ेदार चीज़ क्या है, अगर आप कभी जाइए वहाँ व्यक्तिगत रूप से तो वहाँ पर एकदम एनर्जी से भर देने वाला साहसिक कार्य होते हैं, जैसे रिवर राफ्टिंग, खूब तेज पानी भर रहा है और उसी में आप क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, उसमें आप क्या कर रहे हैं, राफ्टिंग कर रहे हैं, नाव खेल रहे हैं, राफ्टिंग कर रहे हैं, कैनोइंग छोटी नाव में बैठे हुए हैं और खूब लहरदार वाले पानी में आप चल रहे हैं, रैपेलिंग उठते हुए, ठीक है। रॉक क्लाइंबिंग या फिर चट्टानों पर चढ़ते हैं, पर्वत पर चढ़ेंगे वो भी बहुत ही एडवेंचरस होता है, गिरेंगे तो सीधे ख़त्म। एंड माउंटेन बाइकिंग, या माउंटेन पर, पर्वतों पर जो पहाड़ चलाते हैं, पर्वतों पर जो बाइक चलाते हैं, कुदा कुदा करके। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रिलीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स, असंख्य पगडंडियाँ हैं इस साम्राज्य में जो ट्रैकर्स का पसंदीदा हुआ करता है। बर्ड्स बीच बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी, और आप घूमने जाओगे ना तो आपका साथ कौन देगा, बर्ड्स देंगी, बीज देंगी, मधुमक्खियाँ बटरफ्लाई देंगी। मैकाज मालबार स्क्वायरल, यहाँ पर एक मैकाज और मालबार नाम की गिलहरी पाई जाती है, लंगूर पाए जाते हैं। एंड स्लेंडर लोरिस कीप और वाचफुल आई, और एक पतला दुबला लोरिस नाम का पक्षी है, एकदम ध्यान से देखता है, क्या करता है, एकदम ध्यान से फ्रॉम द ट्री कैनो पाई, पेड़ के किसी कोने से। आई डू However, perfect to stay beside for wild elephants. मैं भी ऐसा करता हूँ जब कभी भी, prefer to stay aside, किनारे जाने का, किसी जब जंगली हाथी, कोई जंगली हाथी गुजरती है। The climb to the Brahmagiri Hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape. अगर आप ना ब्रह्मगिरी पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हो ना, एकदम खूबसूरत सा पूरा वहाँ के दृश्य दिखेगी कुर्ग में। जैसे आप अगर लखनऊ जाते हो तो लखनऊ में आप जब चढ़ोगे सबसे ऊपर, कौन सा, भूलभुलैया, ठीक है, बड़ा इमामबाड़ा के सबसे ऊपर जाओगे तो उस ऊपर से जब जाओगे ना तो पूरा लखनऊ दिखता है। जैसे
जैसे ब्रह्मगिरी से भी अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकर आइलैंड ऑफ निसारगंधमा, यानी अगर आप रोप ब्रिज के माध्यम से, रस्सी वाली जो ब्रिज होती है, हाँ ये रस्सी चारों से रस्सी बना होगा और पैर भी होगा, उसी रस्सी पर आप लोग ऐसे से चलोगे पूरा, तो 64 एकड़ जाने के बाद एक आइलैंड मिलता है जिसका नाम क्या है, नसार गा धम्मा धाम, नसागर नसार गा धाम, रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज़ लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट। यहाँ पर बुद्ध को मानने वाले बहुत सारे मंक्स रहते हैं, साधु रहते हैं, हाँ इंडिया के लंबे क्षेत्र में, यानी इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट, यानी इंडिया के सबसे बड़े तिब्बत कहाँ, जहाँ पर रहने का स्थान है, एट नियर बाई बाई लेक यूपी, हाँ किसके बगल में, बाई लेक यूपी नामक स्थान के बगल में, इज अ बोनस, या उनके लिए एक और बोनस वाली चीज़ है, मतलब उनके फ़ायदा का चीज़ है। द मंक्स इन रेड आर्क एंड येलो रोब्स, ये जो मंक्स होते हैं ना लाल रंग का कपड़ा पहनते हैं, आर्क पहनते हैं और येलो पगड़ी बांधते हैं, कपड़े में दिखते हैं, आर एमांग्स द मेनी सरप्राइज दैट वेट टू डिस्कवर बाय द विजिटर। अगर आप वहाँ पर विजिट करते हो ना तो बहुत सारे आश्चर्यजनक चीज़ों को देखोगे। फॉर हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, आप भारत के हृदय, भारत सर्चिंग फॉर द हार्ट, आप भारत के हृदय को ढूंढ पाओगे, हाँ मतलब वहाँ पर जाकर एकदम खुश हो जाओगे। सोल ऑफ इंडिया, भारत के आत्मा को समझ पाओगे। राइट, यानी कहाँ पर, यहाँ ठीक कुर्ग में, ओके okay?